जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल वृक्ष की पूजा देव वृक्ष मानकर की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है इस वृक्ष को। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में ये बात कही भी है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमें लाभ प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास माना गया है। और जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी दिव्य आत्माएँ भी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं बहुत ही शीघ्र हमें चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि इस एकमात्र वृक्ष के पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे पूर्वज यानी जो हमारे पितृ होते हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मात्र इस वृक्ष के पूजन से हम सबकी पूजा एक साथ कर लेते हैं तो सबकी कृपा भी हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय के बारे में। अगर आप शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं, सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है, और अगर आप शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो मात्र एक शनिवार इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज में घिरे हों, व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है, आपके ऊपर लोन या कर्ज लगातार चढ़ता जा रहा है, नौकरी में आपको समस्याएं आ रही हैं, नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो, या फिर आपको नौकरी तो है लेकिन उसमें सैलरी अच्छी नहीं मिलती है तो आप नौकरी बदलना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, खर्च अधिक है और धन का आगमन बहुत कम है, तब भी आप इस उपाय को करें, शीघ्र ही आपको लाभ होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है लेकिन वो धन बेवजह के खर्चे में निकल जाता है, या तो बीमारियों में, या फिर आप ब्याज भर देते हैं, या लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपके धन का खर्च हो रहा है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और जब भी आपको धन की आवश्यकता होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, मतलब धन की किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हो, घर में कलह क्लेश से परेशान हो, इस उपाय को करें, शीघ्र ही आपको लाभ होगा। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है इस उपाय को करने से, धन संचय भी होगा, धन आगमन भी होगा, व्यापार में भी आपको लाभ होगा और नौकरी की समस्याएं भी दूर होंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, अगर आप विश्वास से करेंगे आपको लाभ बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगा। और मात्र एक शनिवार ये उपाय करना है, बस मन में विश्वास रखकर करें, आपका कोई भी काम हो अवश्य बनेगा। करना क्या है देखिए, शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। तो शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। पुराना पीपल वृक्ष मतलब कोई पीपल का नया पौधा नहीं होना चाहिए, जैसे कि जितना पूजित वृक्ष होता है उतना अधिक हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि पीपल वृक्ष ऐसा चाहिए जिसकी पूजा निरंतर होती हो, जिस पर लोग पूजा करते हो, ऐसे पीपल की वृक्ष के पास आपको जाना है और शाम के समय जाना है। सामग्री आपको कुछ चाहिए, जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी रोली चाहिए आपको, और एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं आप, या फिर एक लाल रुमाल भी चलेगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। लाल कलावा चाहिए, जो हम हाथ में बांधते हैं, मौली जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है उसे कलावा कहते हैं, वो आपको चाहिए तो एक ज़्यादा थोड़ा सा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक, आटे का दीपक जिसे आप गाय का घी लेकर जाएं, गाय के घी से प्रज्वलित करें, या फिर तिल का तेल होना चाहिए। सरसों का तेल आज हम नहीं प्रज्वलित करेंगे क्योंकि हम ये प्रयोग जो कर रहे हैं धनदायक प्रयोग कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। आटे का दीपक जैसा कि आप सभी जानते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है। आटे का दीपक अगर आप प्रज्वलित करें किसी भी कामना के लिए बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो हमें ये जो आटे का दीपक और जो भी सामग्री है ये लेकर हमें शाम के समय जानी है, सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य जो है अस्त हो रहे हों उस समय हमें जानी है। सूर्यास्त के बाद से लेकर आपको 8 बजे रात्रि तक पीपल की पूजा कर लेनी चाहिए होती है, इसके बाद आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे कभी भी देर रात में नहीं जाना चाहिए। तो 8 बजे से पहले पहले आप ये उपाय कर लेंगे, इसके लिए आप समय पर पीपल वृक्ष के नीचे पहुँच जाएँ। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे
तो आप पीपल देवता को, पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए, उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, सभी जो हमारे पितृ पूर्वज होते हैं उन सबको हृदय से नमस्कार कीजिए। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, शनिदेव को नमस्कार करना है, शनिवार का दिन है तो शनिदेव को अवश्य नमस्कार करें, और इसके साथ ही हनुमान जी की भी आपको आराधना करनी है। आटे का दीपक जो आप लेकर गए हैं पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की जड़ में, जड़ के पास जला दीजिए। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी का ध्यान करके मन में हनुमान जी को स्मरण करते हुए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और पाठ जब आपका पूरा हो जाता है तब आपको पीपल का जो वृक्ष है उसमें एक पत्ता देखना है, एक बड़ा पत्ता लगा हुआ ही पत्ता होना चाहिए। पीपल का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है, वृक्ष में ही लगा रहे वो पत्ता, और उसी पत्ते पर आपको जो आप रोली लेकर गए हैं थोड़ा सा जल लेकर उसे आप लिक्विड कर लीजिए, और उसके बाद अपनी मनोकामना उस पीपल वृक्ष पर आपको अपनी अनामिका उंगली से लिखना है। रोली में थोड़ा सा लिक्विड कर लीजिए, उसे जल मिलाकर उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परेशानी है आपकी, आप उस पर लिख दीजिए। जैसे आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार में धन चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए तो ये लिख सकते हैं। नौकरी की समस्या है तो आप नौकरी लिख दीजिए, और अगर आपको धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, जिस भी परेशानी से आप मुक्ति चाहते हैं उस परेशानी को आप उस पत्ते पर लिख दीजिए। इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो, इस तरह से आपको पत्ता चुनना है, पत्ता तोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं उसके बाद उसी पत्ते वाली डाली के ऊपर आपको 7 बार जो आप कलावा लेकर गए हैं वो बांध देना है। कलावे को 7 बार घुमा दीजिए और बहुत ढीला बांधिए ताकि पत्ता टूटे ना, बहुत आराम से उसको बांध दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए, 7 बार लपेट लीजिए, जितना भी थोड़ा सा भी कलावा हो तो उतना भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कलावा बचा हुआ है अधिक तो आप 7 बार अपने हाथ में भी घुमाकर बांध दीजिए। इसके बाद आपको पीपल वृक्ष की छाया में ही बैठकर एक मंत्र जप करना है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी आप इसको आपको ये दे दूंगी, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम वट स्वाहा, ओम ह्रीम वट स्वाहा, इस मंत्र का जप आपको पीपल वृक्ष की छाया में करना है। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर जपा गया कोई भी मंत्र बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है और बहुत ही शीघ्र आपकी कामना को पूर्ण कर देता है। आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और या फिर कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र जब अगर आपको करना हो तो अगर आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, छाया में बैठकर अगर हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, कोई समस्या कहते हैं, तो उसका निवारण बहुत शीघ्र हो जाता है। इसलिए आपको जब ये जो करना है ये पीपल वृक्ष की छाया में ही करना है। अगर आप माला लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला ले जाइए, माला पर नहीं करना चाहते हैं आप, ऐसे भी जैसे कि आधे घंटा या 45 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो, अधिकाधिक संख्या में इस मंत्र का जप कर लीजिए अगर आपके पास माला नहीं है तो। और अगर आपके पास माला है तो 108 मनकों की माला रुद्राक्ष की लेकर जाइए और 3 माला इस मंत्र का जप कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जप करना है। जाप जब आपका पूरा हो जाता है आप पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें, अपने पितरों को हृदय से नमस्कार करें, और शनिदेव को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को जब आप प्रणाम करते हैं अपने मन की कामना भी वहां पर कहें कि हे पितृदेवता, हे भगवान श्री हरि विष्णु, या फिर हे हनुमान जी, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जरूर पीपल वृक्ष के नीचे कहना चाहिए। बहुत शीघ्र पीपल वृक्ष के नीचे कही गई कामना पूर्ण होती है, और समस्या कोई भी हो बहुत शीघ्र उसका निवारण हमें मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सबको प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं उस लाल कपड़े में पीपल की जड़ से चुटकी भर मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी निकाल लीजिए, मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको चाहिए, आप उस लाल कपड़े में रखकर और लपेट लीजिए, बांध दीजिए उस कपड़े को, और फिर वो प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को अपने मन की कामना मन में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु से और सभी देवी देवताओं से कहने के बाद ये मिट्टी लेकर आपको अपने घर आ जाना है। घर में आप ये मिट्टी अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, या आपके पास अगर तिजोरी है तिजोरी में रख दीजिए। व्यापार में अगर आपको नुकसान हो रहा है और व्यापार के लिए कर रहे हैं तो आप ये जो मिट्टी है अपने व्यापार के गले में रख दीजिए। कहीं भी धन रखने के स्थान पर ही आपको ये मिट्टी रखनी है,
बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में अगर धन की समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। और जब धन घर में आता है, आपस में माँ लक्ष्मी की जब कृपा हो जाती है, तो आपस में प्रेम व्यवहार भी बनता है, घर में सद्भावना भी आती है, कलह क्लेश सब दूर हो जाता है। अगर धन का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है और धन घर में टिकने लग जाता है तो अब आपके प्रश्न जो होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है। देखिए, इस उपाय को मात्र एक शनिवार ही हमें करना है। सिर्फ एक शनिवार आप ये उपाय करेंगे, घर में लाकर वो मिट्टी रख देंगे अपने धन रखने के स्थान पर, इसके बाद चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि इस मिट्टी को घर में हमें कब तक रखना चाहिए। जी, हमेशा रखें अपने घर में, क्योंकि ये देव वृक्ष के नीचे की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी, जैसे कि हम कहीं पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमें अपने घर में रखना चाहिए। तो ये देव वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी है, हमेशा आप अपने घर में रखें, अपने धन रखने के स्थान पर रखें, कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न होगा इससे संबंधित कि क्या स्त्रियां इस उपाय को कर सकती हैं। जी हाँ, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा से करे। अगर स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप पीरियड्स की अवस्था में इस उपाय को ना करें, जब आप शुद्ध हों तभी इस उपाय को करें। और जब आप ये उपाय करें, आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब वो मिट्टी उठा रहे हों पीपल वृक्ष के नीचे से, तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, चुपके से आपको मिट्टी उठानी है। अगर आसपास लोग होते भी हैं तब भी इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाएं कि कोई आपको देखे नहीं या टोके नहीं। बस अगर आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं, यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी लाभ होता है इस उपाय को करने से। पीपल का वृक्ष देव वृक्ष माना गया है, श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं का, पितरों का वृक्ष माना गया है। तो इसके नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है और बहुत जल्दी आपको चमत्कारी लाभ भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।